एसबी फूड्स एंड ट्रैवलिंग में आप सब लोगों का स्वागत है। होप आप सब लोग बढ़िया कर रहे होंगे। आज का जो विषय है वो है चॉपिंग बोर्ड और नाइफ। किस तरीके से हम नाइफ का इस्तेमाल चॉपिंग बोर्ड में करेंगे, किस तरीके से हम चीजों को चॉपिंग बोर्ड में रख के काटेंगे, बहुत लोगों को ये शंका रहती है, एक असमंजस की स्थिति रहती है कि किस तरीके से ये दो चीजों का इस्तेमाल किचन में होता है। किस तरीके से हम प्याज काटें, किस तरीके से हम चीजों को सब्जियों को काटें और कहीं हमारा हाथ तो नहीं कट जाएगा इसमें। तो आपके हाथ के लिए स्पेशली ये जो है टिप है। इसमें आप देखेंगे जो चाकू है, मैं आपको चाकू दिखाता हूं, मैंने अभी अभी इसमें कुछ चीजें काटी हैं। ये है नाइफ। नाइफ को हम एक तो स्ट्रेट पकड़ते हैं, हमने स्ट्रेट चीजों को नहीं काटना है। इसको क्या करना है, टिल्ट करना है, अपनी उंगलियों से दूर रखना है इस तरीके से। तो नहीं, अगर ये स्ट्रेट आएगा तो उंगली कट सकती है, अगर ये इधर को आएगा तो उंगली डेफिनेटली श्योर शॉर्ट कटेगी। तो हमने क्या करना है, इसको इस तरीके से रखना है अपने, ये मेरा राइट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड को ही हमने इसका एज रखना है, ब्लेड रखना है इस तरीके से। ये देखिए ऐसे, और उंगली को हम धीरे ये चलते जाएगा और इन उंगलियों को हम चीजें पकड़ी हुई है पीछे हल्के हल्के हाथ से खिसकती जाएगी। ये लेफ्ट हैंड को जाते जाएगा और ये राइट हैंड की तरफ इसका ब्लेड रहेगा। चलिए आइए प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कितना आसान है ये। तो देखिए नाइफ जो है, हमने प्याज जो बड़ा है उसको छील के दो पीसेस में कट कर लिया। अब क्या है, आपने नाइफ का देखो, एक तो बिल्कुल वर्टिकल होता है ऐसे स्ट्रेट, बिल्कुल जो स्ट्रेट पड़ेगा, हमें स्ट्रेट नहीं रखना है, अपने उंगलियों से दूर रखना है चाकू को इस तरीके से। देखिए इधर को होना चाहिए आपके राइट हैंड साइड को, ये नाइफ होना चाहिए। देखिए किस तरीके, तो आपका हाथ कभी भी नहीं कटेगा चाहे कितना ही तेज आप नाइफ चलाएं। देखिए मेरा जो है हल्का सा टिल्ट मेरे राइट हैंड साइड की तरफ है, ये देखिए। अब इसमें क्या करना है आपने, ये अपने लेफ्ट हैंड की जो उंगलियां हैं उनको पीछे लेते हुए जाना है और नाइफ को चलाते रहना है इस तरीके से। ये एकदम किसी को नहीं आता, धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये चीजें आती हैं। ये देखिए नाइफ को अपने से दूर रखना है, अपनी उंगलियों से, ब्लेड को उंगलियों की तरफ नहीं, बार बार बता रहा हूं, उंगलियों से इस तरफ को रहेगा ब्लेड। ये ब्लेड ऐसे है, अब कैसे है ये, तो इस तरीके से आप आंख बंद करके भी नाइफ को चला सकते हैं तेज तेज। जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही नाइफ तेज चलेगा। एक ही दिन में तेज चलाना की कोशिश ना करें, धीरे धीरे अपने आप प्रैक्टिस होगी और आप चाहें जितना भी तेज नाइफ को चाहें उतना चला सकते हैं इस तरीके से। देखिए हमने अदरक को भी इस तरीके से, मैंने इससे पहले अदरक किया था, इसी तरीके से चॉप किया। अब देखिए हम मिर्च को काट रहे हैं, मिर्च को किस तरीके से काटेंगे। ये आपने मिर्च को उंगलियों से पकड़ा, ये टिल्ट किया अपनी उंगलियों से दूर। एक तो चाकू इस तरीके से हो सकता है, चल सकता है, इस तरीके से भी कटेगा, लेकिन इसमें उंगली कटने का खतरा रहेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, इस तरीके से करना है, टिल्ट इस तरीके से लेके आना है इसे। ये देखिए फास्ट करना है ना आपको, ये देखिए उंगलियों को पीछे लेके आते गए और चाकू चलते रहा, चाहे कितना ही तेज चला लें चाकू, कितनी जोर से चला लें, आपकी उंगलियां बिल्कुल भी नहीं कटेंगी इससे। ये चाकू का मुंह जो होगा वो आपकी उंगलियों से दूर रहेगा। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो चॉपिंग बोर्ड की हेल्प से आप बढ़िया नाइफ चलाना सीख जाएंगे। अब देखिए काटते हैं धनिया। मेथड वही है, मैंने चाकू का जो है इस्तेमाल दूसरे चाकू का कर रहा हूं, बड़े चाकू का, क्योंकि आदत मेरी इस चाकू से ही इसको काटने की है। मेथड बिल्कुल वही है जो अभी तक बताया था। चाकू को देखिए, एक तरीका यह है, एक तरीका स्ट्रेट काटने का, एक ऐसे रखने का है उंगलियों से दूर। तो हम अपनी उंगलियों से इसको दूर रखेंगे हल्के हल्के, ये देखिए ये ब्लेड चाकू की उंगलियों से दूर है ना, ये देखिए कितना बढ़िया कट रहा है बारीक। धनिया अगर
बारीक ना कटा हो तो मजा ही नहीं आता। अगर लीव्स इसकी दिखने लग गई उसमें, किस तरीके से भी चला सकते हैं, चाहे ऐसे चलाएं आप, चाहे ऐसे चलाएं, चाकू की जो ब्लेड है उंगलियों से दूर रहेगी। इसमें मैं आपको एक मेथड बता रहा हूं कि अब देखा आपने चीजें ज्यादा बारीक नहीं हुई हैं, तो कैसे करेंगे, इस हाथ से थोड़ा सा ऊपर रखना कैमरे को, हाँ इस हाथ से चाकू को दबाएंगे और एक हाथ से ये देखिए, थोड़ा सा और ऊपर लेना कैमरा, हाँ ये अब देखना, इस हाथ से हमने चाकू की एज को दबाया, टॉप को दबाया सॉरी, और यहां हमने क्या किया इस तरीके से चाकू को घुमाते रहे। तो धनिया कितना भी पतला आप चाहेंगे, जितना पतला धनिया चाहेंगे उतना पतला धनिया हो जाएगा। इस तरीके से भी आप चाकू को चला सकते हैं, बहुत इजी मेथड है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही ये चीजें आएंगी। आप देखिए धनिया कितना पतला कट गया है, ये देखिए कोई लीव्स नहीं दिखेंगी इसकी, और हाथ को कोई और पतला करना चाहते हैं और पतला कर लीजिए, बशर्ते आपका चाकू बहुत तेज होना चाहिए इस तरीके की कटिंग जब भी आप चॉपिंग बोर्ड में करते हैं, हाथ कटने का कोई खतरा नहीं है। तो ये है भैया मेथड। तो देखा आपने कितना आसान है ये चीजें, आप एक ही दिन में करने की ना सोचें कि मैं एक ही दिन में एक्सपर्ट हो जाऊंगा, एक दिन में एक्सपर्ट कोई भी नहीं होता, ना मैं एक्सपर्ट हूं ना कोई भी इस दुनिया में है। प्रैक्टिस से आप एक दिन टॉप में पहुंचते हैं किसी भी चीज के लिए, कोई भी कला हो, कोई भी प्रोफेशन हो, कोई ऑक्यूपेशन हो, किसी भी चीज में प्रैक्टिस टाइम लगता है। तो धीरे धीरे शुरुआत करें और आप कुछ ही दिनों में देखेंगे, महीने दो महीने में, कि आप परफेक्ट हो गए। तो आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो को लाइक किया होगा, अगर लाइक किया है तो लाइक का बटन दबाएं, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।